हाय गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ये जो ओला S1 X जो नया नया अभी डिलीवरी हो रहा है स्कूटर में, एक प्रॉब्लम हो रहा है कि ऐसे स्क्रीन में 30-40 बार ओला ओला लिख कर आ रहा है। ये मेरा एक दोस्त का स्कूटर है। अभी अगर आप कहीं भी मार्केट में 1-2 मिनट गाड़ी को ऑफ करके छोड़ दोगे, उसके बाद अगर आप ऑन करोगे तो फिर से आपको 30-40 बार लिख कर आएगा, उसके बाद स्कूटर ऑन होगा। ये प्रॉब्लम बहुत सारी नए स्कूटर में आ रहा है। आज हम इस वीडियो में इसी का सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपका स्कूटर में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या करें, ये बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो होता है ये VCU की वजह से होता है। VCU ओला स्कूटर में एक व्हीकल कंट्रोल यूनिट है जो कि ओला स्कूटर को पूरा कंट्रोल करता है। कंट्रोल में सॉफ्टवेयर की पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कंट्रोल करता है, नॉट मशीनरी। ये प्रॉब्लम होने पर हमने गाड़ी को सर्विस सेंटर लाया, फिर सर्विस सेंटर वालों ने गाड़ी को चेक किया कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये VCU का प्रॉब्लम है, तो हमने क्लेम किया वारंटी में, क्लेम हमारा अप्रूव हो गया और ये रिटर्न होगा। अभी रिटर्न होके नया VCU लगेगा स्कूटर में। तो आपका भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप भी सर्विस सेंटर जाके बात करिए, वो अगर बोलेंगे कि ये VCU का प्रॉब्लम है तो VCU चेंज करवा लीजिए। हमारा सक्सेसफुली VCU चेंज हो गया, अभी देख सकते हैं अभी कोई भी ओला ओला नहीं लिखा आ रहा है स्टार्ट करने पर। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस पर्पज के लिए है, इसका कोई गलत इस्तेमाल ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।